आज है विजयादशमी और आज ही का दिन है दसवां दिन दुर्गा पूजा का आखिरी दिन। तो आज का दिन होता है विजयादशमी, जब सिंदूर खेला होता है, माँ का वरण होता है, माँ की गोद भरे होती है और माँ को अलविदा कहा जाता है क्योंकि दुर्गा माँ चली जाती है कैलाश पर्वत अपने बच्चों के साथ। तो क्या है सिंदूर खेला का असली कारण, क्यों खेलते हैं सिंदूर खेला, क्यों करते हैं वरण, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो चलो यहीं से वीडियो स्टार्ट करते। वेलकम टू नाशिकचा बाबू महाशय चैनल। तो सबसे पहले गणपति मूर्ति उठा रहे, गणपति मूर्ति उठा के यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे रखेंगे और बोरन करेंगे। जिनसे अभी मुझे पता चला बरन क्या होता है, विसर्जन के पहले देवी माँ को बरन करते हैं, बरन मतलब प्रसाद खिलाते हैं, पान खिलाते और सिंदूर लगाते हैं और फिर लेडीज़ लोग सिंदूर खेलती है, सिंदूर खेलने के बाद पूजा होती है, पूजा होने के बाद यहाँ से विसर्जन के लिए लेके जाते हैं। तो त्रिदीप आज लास्ट डे है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरा तो, मतलब क्या बोलूँ, मन लग जाता है, ऐसा लगता है क्यों विसर्जन हो रहा है, पर मिक्स फीलिंग है, अच्छा भी लग रहा है और लास्ट डे बुरा भी लग रहा है। अब अगले साल का वेट करेंगे हम लोग, इसी 5 दिनों में हम लोग मिलते हैं, एंजॉय करते हैं। जोश देखो विसर्जन के पहले, अभी दुर्गा देवी माँ अभी वापस चले जाएगी अपने ससुराल, तो अगले साल आएगी उसके बाद फिर से वही 5 दिन दुर्गा। थैंक यू त्रिदीप। मेरे ब्लॉग देखते हैं सब्सक्राइब। तो आज सभी भारी दिल से आज का दिन मनाते हैं क्योंकि आज दुर्गा माता जा रही है अपने ससुराल। आज के दिन शादीशुदा औरतें सिंदूर खेला करती है, सिंदूर खेला ये होता है माँ की मांग भरना। सिंदूर खेला में शादीशुदा औरतें माँ की मांग भरते हैं, सिंदूर से मिठाई खिलाते हैं, गोद भराई का रस्म पूरा करते हैं। ये सिंदूर खेला का खेल देख के ऐसा लगता है कि होली हो रहा हो। सिंदूर खेला का इतिहास 400 साल पुराना है। माना जाता है कि दुर्गा माता अपनी बेटी सरस्वती और लक्ष्मी और अपने दोनों बेटे गणेश जी और कार्तिक और दो साथी जया और विजया के साथ 4 दिन अपने मायके आती है और वापस अपने बच्चों के साथ कैलाश पर्वत चले जाती। सिंदूर खेला का महत्व ये है कि जिस तरह अपनी बेटी को पूरे श्रृंगार के साथ अलविदा किया जाता है, उसी तरह माँ दुर्गा को भी इसी दिन अलविदा किया जाता है पूरे श्रृंगार और सिंदूर के साथ। सिंदूर खेला के बाद माँ को पान और मिठाई के साथ गोद भराई की जाती है और अलविदा किया जाता है। इस दिन सुहागन औरतें माँ दुर्गा के मूर्ति को मिठाई खिलाती है, सिंदूर लगाती है और दोनों गालों को पान से सहलाती है। फिर सभी सुहागन औरतें एक दूसरे के मांग और सुहागन का चिन्ह शाका पोला को सिंदूर लगाती है, एक दूसरे के गालों पर सिंदूर लगाती है और एक दूसरे को मिठाई खिलाती। और ये भी माना जाता है कि उस वक्त जो शादीशुदा नहीं हुआ है जिनका, वो लड़के और लड़कियों का अगर उनको ये सिंदूर लगाया जाए तो उनका भी शादी जल्दी से जल्दी हो जाता है। आम लड़की की तरह दुर्गा माँ भी अपने मायके आती है ससुराल से, 4 दिन रहती है और आम लड़की की तरह उसे विदा किया जाता है, जिसे भक्तजन उनकी मूर्ति को विसर्जन करके ये परंपरा को पूरा करते हैं। स्टेज पे चढ़ाएंगे, उसके बाद ट्रक में रखेंगे। देख पहले गणपति जी है, फिर सरस्वती माँ, फिर मेन देवी, फिर ये लक्ष्मी माँ और कार्तिक भगवान। तो इस तरह एक एक मूर्ति ला के रखे, यहाँ से ट्रक में रखेंगे और विसर्जन के लिए रामकुंड को निकलेंगे। Thank you.
तो आपने अभी देखा कि दुर्गा माता का बोरन हुआ और अभी थोड़ा सिंदूर खेला होगा, सिंदूर खेला के बाद थोड़ा नाच गाना होगा, नाच गाने के बाद विसर्जन की तैयारी होगी। ना तुम्ही लगाओ लागा ऐजे लागा मार मारे लागा अरे आने लागला सिंदूर खेला है एक बोले सिंदूर खेला है जैसे कि अभी आपने देखा थोड़ा सा नाच गाना हो गया, तो यहाँ से अभी कुंड में लेके जाएंगे विसर्जन के लिए ट्रक में ये मूर्तियाँ लेके, तो चलो चलते हैं विसर्जन के लिए कुंड पे। अरे यार कुछ नहीं दिख रहा है Yeah.
तो इस तरह भारी दिल से दुर्गा माता का विसर्जन हुआ और उनके बच्चों के साथ वो अभी कैलाश पर्वत के लिए चली गई। तो इस तरह ये दुर्गा पूजा के दिन और नवरात्र के 10 दिन निकल गए। देखते ही देखते काफ़ी मज़ेदार था ये दिन। सुबह शाम जिस तरह प्रोग्राम होता था, खाना पीना मस्ती, अब सारे बंगाली लोग और सारे भारतवर्ष के भक्त लोग इंतज़ार करेंगे अगले साल का, जब दुर्गा माता वापस आएगी। इसलिए तो हमारे बंगाली लोगों में बोलते हैं आश्चे बोचो आबार आश्पे। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं गुड बाय नहीं बोलूँगा, आज बोलूँगा दुर्गा माता आश्चे बोचोर आबार आश्पे।